अस्सलाम जी, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से अभी देखो ठीक ठाक है। तो हमारे पास वेदर बहुत अच्छा है, बारिश होने वाली है। ये लोग सारा दिन तैयार होते हैं, जब शाम हो जाती है तो फिर ये लोग कहते हैं कि चलो जी भाई जरा निकलना चाहिए, क्योंकि आज यानी की छुट्टी थी। तो हम लोग इसलिए दिन भी काफी हो गए, आज निकले ही नहीं घर से। हम लोग घर में रेस्ट कर रहे हैं और हुसैन सोता जा रहा है, क्योंकि हुसैन आजकल उठता है सुबह सुबह स्कूल के लिए। नींद आ रही है। आप दोनों ने आज मैचिंग की हुई है? हमारी बाई चांस मैचिंग। हाँ जी। और यहाँ जो है ना हयाम फातिमा, आप कहाँ जा रही हैं तैयार होके? कहाँ जा रही हो? हयाम फातिमा जूस लेने जा रही है। जूस लेने जा रही, लेकिन हुई नाराज बैठी। हाँ, जूस लेने जा रही है। और हमारे पास जो है ना मौसम अच्छा, हम ना रिस्क लेके ही निकल आए हैं अभी, क्योंकि था वेदर में आ रहा है कि बारिश होनी है, लेकिन देखें बारिश होती है कि नहीं। बादल बहुत है, लेकिन बड़े दिन से नहीं निकले थे तो हमने सोचा चलो घूम फिर के आते हैं। चलें जी, अब जहाँ जाते हैं वहाँ पहुँच के आपसे मुलाकात होगी। आज ये जो कपल आया हुआ है ना हमारे साथ, माशाल्लाह इनके हालात देखें। हयाम से हो गई है, हनी और सकीना वो जा रहे हैं। आज ना हमारे साथ बस वाला बड़ा ही विसैप हुआ है। एक तो मौसम भी थोड़ा सा ऐसा था, टैक्सी हमें बिठाती कोई नहीं है, टैक्सी वाले हमें बिठाते नहीं है हम लोग ज्यादा, लेकिन आज ना बड़ा ही हुआ है कि जल्दी सड़क क्रॉस कर लूं। मानो तो उठ गई है, लेकिन देख ले हम रोशनी में निकले थे आज, इतनी हमें देर हो गई है ना पहुँचते पहुँचते कि हम लोग बहुत ही लेट हो गए। अपने पीछे देख लो, यहाँ ना असल में वैसे कहते तो है कि कुत्ते कुछ नहीं कहते, लेकिन डरना ही चाहिए, कह भी सकते हैं भाई। और हम लोग बेसिकली ये वाला पार्क देखने आए हैं। ये पार्क बहुत ही खूबसूरत है, बहुत फेमस है और फेमस पार्क है, कोशिश तो करेंगे। लेकिन आज हमारे साथ हुआ ये कि हमें टैक्सी मिली नहीं, क्योंकि स्कीना वाली जो कारो है ना वो हमारी फोल्ड नहीं है। स्कीना वाली कारो में हमने 50 किलो वजन, और दूसरा हम घर से खाना पीना बना के लाए हुए थे, वो भी उसमें होता है। फिर हमारा सामान इतना होता है ना बच्चों की वजह से कि हमें फिर टैक्सी फिजिबल नहीं रहती, बसें ठीक रहती हैं। लेकिन आज हमको 2.5 घंटे में इस पार्क में, वो अभी आज कोई लगता है मैच का तो कोई था सीन, तो वो ट्रैफिक बहुत ब्लॉक। आज वैसे भी ना कोई फेस्टिवल है जिस वजह से ना बहुत ट्रैफिक भी ब्लॉक थी, तो आज हमारा दिन समझे ज़ाया ही हुआ, क्योंकि तकरीबन 3-3.5 घंटे में हम घर से इस पार्क तक पहुँचे। लेकिन अभी हम 1-2 घंटे इन्जॉय करेंगे, क्योंकि जब हनी को छुट्टी होती है ना हनी के साथ सारे बड़ा इन्जॉय कर लेते हैं, बच्चे भी हम सब भी, तो फिर हम लोग जो है ना हमारे लिए फिजिबल यही रहता है। हयाम फातिमा, आपने तो नींद भी पूरी कर ली अपनी, सो के उठ गई बाली, स्कीना नहीं सोई, स्कीना नहीं सोई, सारे सोए हैं। देख लो कैसे अभी जी हम लोग कार पर पहुंच गए। अब यहाँ क्या क्या चीजें होंगी, हम घर से क्या क्या बना के लाए हैं वो थोड़ी देर तक बस, अब हमें खाना ही बचना है। जो है ना पार्क में आए ये वाला फेमस हाथी, बेसिकली पार्क दिन में देखने वाले हम लोग जो है ना वो लेट गए हैं, वरना जो है ना हम टाइम से आते हैं, वो बहुत चीजें दिखाते हैं। यहाँ झील भी है और बड़े अच्छे फाउंटेन भी हैं, लेकिन इस हाथी की बहुत जरूरी घर मैना ने फोटो शूट करना था, आप सारा हाथी दिखाए। और अपना बाकी जो चीजें हैं वो फिर किसी दिन दिन में आएंगे तो आपको दिखा सकते हैं। नहीं तो ठीक है, वो अपना यहाँ आज हमें आया हुआ खाया पिया ही बचना जो हम घर से लाए हैं, बैठ के खा के हम वरना हमें आइडिया नहीं। हम लोग बाहर निकलते हैं इस टाइम पे आके बस खाया पिया और वापस घर। असल में ना मैंने परसों वॉशरूम हुए थे, मैंने इतना किया कि मेरे ना हाथ जल गए हैं थोड़े से, तो इस अम्मी आपने इसे निकाल लेना, इस कारों में फिर बैठना नहीं है। चलिए जी अभी हयाम का हम फोटो शूट करा लें, चलेंगे। बाली स्कीना सो गई है, कितनी प्यारी फ्रॉक। अभी हम लोग ना आ गए हैं एक ना सिटिंग एरिया में, ये मैं अब आपको ना पार्क किसी दिन ना दिन में दिखाऊंगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इतनी इतनी खूबसूरत चीज़ें और देखने वाली हैं। अभी बारिश होने लग गई है तो हमने सोचा अभी हम सिटिंग एरिया में आए हैं, इस तरह से यहाँ पे जो है ना टेबल्स और बेंच लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं बारिश भी जो है ना वो हो रही है। तो अभी क्या क्या बना के लाए हैं घर से वो मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोगों ने टेबल ही ला लिया, हम लोग लाए थे चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, साथ फ्रूट चाट, साथ फ्राइज बनाई हुई, सैनिटाइजर सैनिटाइजर हाथ कर ले। हयाम को दे, वो देखे मांग रही है पीछे, तो तुमने उसको उतारा क्यों नहीं?
पिज्जा गर्म ही होना है मेरा तो ख्याल है। हमने दो पिज्जा ऑर्डर कर लिए थे, फ्राइज घर बनाई ना इन्होंने, फ्रूट चाट इन्होंने बना ली। ये थोड़ी सी अब रिफ्रेशमेंट करेंगे, कोल्ड ड्रिंक है बच्चों की वजह से ना छुपाई हुई है। हम लोग ना बस अंधेरे में ही हमारी इंजॉयमेंट हो रही है, लेकिन अच्छी जगह, जगह बहुत अच्छी है, जगह अच्छी है, लेकिन आज का दिन बस ऐसे ही रहा है। लेकिन तुम्हें फिर दोबारा लेके आएंगे, जू भी इधर है ना, किसी दिन में आएंगे। तो वैसे वो मौसम की वजह से थोड़ा लेट हो गया। फातिमा पिज्जा ठीक है? रियाम फातिमा की कारों में वो कटोरियाँ पड़ी थी। अभी हम लोगों ने खाना पीना कर लिया, ये है कि चले हम बेशक लेट आए, लेकिन ये कि हमने अच्छा फैमिली टाइम इंजॉय कर लिया। हनी नैना कोमल मैं अम्मी बच्चे सब, अबू और का शान नहीं है सिर्फ, लेकिन ये कि अच्छा मजा आया। छुट्टी वाला दिन ना हमारा अच्छा गुजर जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा ना इम्पोर्टेंस भी इसी चीज की है कि फैमिली टाइम सबसे ज्यादा कीमती टाइम यही होता है जो आप अपनी फैमिली के साथ गुजार लेते हैं। हनी को भी वीकली एक छुट्टी होती है, तो हमारी कोशिश होती है कहीं ना कहीं बोले चलो इकट्ठे, हम लोग तंग नहीं पड़ते, हम एक गाड़ी में भी नहीं आते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। और हमें टैक्सी भी कोई नहीं मिलती, जो मेरे ख्याल से 9 सीटर हो जाए। टैक्सी कैसे मिलेगी, हमने कारों में सामान इतना रखा होता है ना, वो फिर हम लोग शॉपर्स में भी नहीं डालते, बच्चों की इतनी चीजें। लेकिन अच्छा रहता है बस का सफर हो, मेट्रो का, मेट्रो में अम्मी नहीं बैठती, अम्मी को घुटन होती है। हाँ जी दिन तो बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। अभी बस हम कुछ खाए पिएंगे फिर यहाँ से निकलेंगे और घर चले जाएंगे। यहाँ पे भी कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन वो बंद हो गया। सब कुछ बंद हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन किसी दिन दिन में आएंगे, अच्छी जगह है बच्चों के लिए भी और वैसे भी अच्छी जगह। तो बड़े फैमिली हमने अच्छा इंजॉय कर लिया, गप्पे शप्पे मारी हैं, अभी बस कुछ खा। लेकिन आप लोगों ने दो पिज्जे मंगवाया, खा कोई भी नहीं रहा, ये क्या बात? फ्रूट चाट खा लिया। नहीं मैं तो पिज्जा, जल्दी जल्दी अब खा लो थोड़ा थोड़ा और फिर पिज्जा भी। और पिज्जा आप ये देखो कि कोसा को मतलब ठीक है टेम्परेचर, फैन हिलता है सारा हिल जाता है। हनी को भी दो, चलें जी अभी हम लोग कुछ खा पी लें फिर दोबारा आपसे मिलते हैं। कोकोनट और सारी चीजें, अजनी मेरे साथ पत्ती पत्ती हल्दी आ गई है, शुक्र है हमारी। अब हम ज्यादातर फल सब्जियां दिखा रहे होते हैं, मैंने सोचा आज ना जरा दिखा दें। हां कह रहा मेरा ड्राई फ्रूट का डब्बा रिफ्रेश करके करके देते हैं। और यहां पे आ गया मेथी दाना अम्मी का, यहां पे ड्राई फ्रूट्स के बादाम निकालो, मैं निकालती हूं। और हल्दी है ना, एक वाइप तो उस तरफ से जाओ लेके आओ। और क्या आई है, पत्ती चेंज कर लाया शाम नैना, शाम से पूछो ये अग्नि टी क्यों ले आया है, टाटा टी सुप्रीम लिखी थी। और यहाँ पे आ गया जी हमारा घी, देसी घी। और यहाँ पे हमारे आ गए हैं कायनात राइस, मैं ब्रांड दिखा रही थी। और बाकी हमारा आटा आ गया, आटे के भी दो थैले आए पड़े हैं। मैं फल सब्जियां रोज खाते हैं, पार्सल नहीं खोला, पार्सल अभी खोलते हैं, चीजें संभाल लेना, मेरा दिला फिर ये खोल के उसी पैक में डालते हैं। चलो कलर ठीक है यार, हम लोग घर वापस आ गए, हमारा पार्सल आया हुआ था। एक्चुअली हमने ना हुसैन की बॉटल की हुई थी ऑर्डर, यहाँ से जो हम लेते हैं ना वो जो प्लास्टिक आता है ना, वो जब हुसैन बच्चों के हाथों से क्योंकि गिर जाती हैं बॉटल्स तो वो टूट जाती हैं, इसका ना नीचे लगा हुआ रबड़ सा, ये बॉटल्स गिरती भी रहे ना ये टूटती नहीं है। तो फिर हमने ना हुसैन के स्कूल के लिए ना हुसैन की दो जो है ना बॉटल्स ऑर्डर की हैं, ये देखें, एक बेबी बॉय वाला कलर आ गया, एक बेबी गर्ल वाला आ गया। और यहाँ आ गई हैं जी सॉक्स, अच्छा ये स्मॉल साइज आया, ये याम स्किन वाले ना दोनों को आ सकते हैं। हाँ अच्छी सॉक्स, और बड़ी ही प्यारी सॉक्स। और एक ये पेयर नैना ने ना 6 pairs हैं वो सॉक्स के ऑर्डर किए हैं, ये मुझे ना हाँ यार क्यूट आई है, मुझे देखने में बड़ी अच्छी लग रही थी तो ये ऑर्डर कर ली थी बॉटल्स के साथ। तो अभी ये चीजें आ गई हैं, आज जो है ना रात से हम लोग ना काफी, क्योंकि अभी खबरें वगैरह हम यहाँ कम सुनते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है नजर आती है, आबाद नाम के बच्चे की जिसकी डेथ हुई है, इतना इतनी इतनी तकलीफ है ना दिल में सबके, अम्मी बहुत परेशान, मैं खुद एक साजर है, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं जब हुसैन को अम्मी के साथ अटैच देखती हूँ ना, तो मैं पहले सोचती थी कि हुसैन और अम्मी को कोई नहीं, इनका थोड़ा गैप होना चाहिए, इतनी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए सारी चीजें। रात से जो उस बच्चे का हम केस देख रहे हैं, हमने जो सारी डिटेल, अभी हम घर आए हैं तो हमने टोटल जो है ना डिटेल और हिस्ट्री सुनी है कि किस किस तरह के डिसऑर्डर्स हैं,
कितना पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, यहाँ बच्चों के और इतने के राइट है कि माँ बाप को भी 5000 चीजों में माफी है बच्चों की वजह से। पाकिस्तान में किसी चीज के कोई हकूक नहीं है। उसके बाप के साथ देखें बिला वजह की गिरफ्तारियां, रेड्स, उस छोटे से बच्चे के जहन पे कितना असर हुआ कि उस बच्चे की डेथ होगी। और इतना वो बाद क्यूट सा प्यारा सा बच्चा, और मैं आज उसको जैसे फिट्स पाड़े थे वीडियोज मैंने देखी है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को सलामत रखे, किसी भी माँ बाप को ना कोई औलाद का काम ना दिखाएं, क्योंकि औलाद इतनी प्यारी होती है ना, चाहे आपके बच्चे आपके साथ अटैच हैं नहीं है, जब आप पेरेंट्स हैं, इवन जो पेरेंट्स नहीं भी होते बच्चे सबको ही प्यारे लगते हैं। तो इस चीज़ पे दिल बहुत दुख है, जितना हो सके प्रोटेस्ट भी करें, लेकिन पाकिस्तान में हमें पता है किसी चीज़ का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि हम इधर आ गए हैं, हमारे बच्चे सिक्योर हो गए, एटलीस्ट अब ये सब केसेस देखेंगे तो हमने यही कुछ ही कहना है। बल बहुत ज़्यादा उस छोटे से मासूम से फरिश्ते का दुख भी है, दिल में तकलीफ भी बहुत हुई है, और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके हमारे सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें, किसी दुश्मन को भी ये दिन बिल्कुल ना दिखाए, किसी दुश्मन के बच्चे के साथ भी ऐसा ना हो, ना किसी के माँ बाप के साथ ऐसा हो, सब सलामत रहे, खुश रहे, और अल्लाह ताला पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी हिदायत दें कि किसी चीज़ का ही ख्याल कर ले, कम से कम बच्चों का ही ख्याल कर लें। बहरहाल बहुत दिल में तकलीफ है, दिल दहल गए हैं, मतलब इतना खौफ हिरास पैदा हो गया, इतनी सब चीज़ें हैं, मैं मतलब अब लफ्ज़ों में नहीं बयान मतलब कर सकती। मैं अब ज़िंदगी में मैंने सोच लिया है कि हुसैन और अम्मी जिस रूटीन में चल रहे हैं जैसे है, बिल्कुल बच्चों के, मुझे बड़े लोग कहते थे ऐसे कर दें हुसैन को ऐसे, मैंने तौबा कर लिया आज। हालांकि मैं कोशिश बहुत करती हूँ, मेरे साथ अब सोता भी है, मेरे साथ रहता है, खाता है, पीता है, लेकिन मैंने ज़िंदगी में बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, ना बच्चों के मासूम दिमागों पर इतना लोड डालना चाहिए। तो बस हुसैन और अम्मी जिस रूटीन में हैं, जब वो समझदार हो जाएगा खुद ही जो चीज़ें नॉर्मल वे में आती जाएंगी, मैंने कोई ज़बरदस्ती फोर्सफुली उसे स्ट्रेस दे के अम्मी दो चार मिनट नज़र ना आए, वो जिस तरह से रोता है या बिहेव करता है, बड़े अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, सबके बच्चों की हिफाजत करे, हमारे बच्चों की भी करे। हम अपने बच्चों की देखें ना कैसे छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी कर रहे होते हैं, वो काफ़ी दिन से बाहर नहीं गए थे, आज हम हालांकि हम ख्वार ही बेशक हुए हैं लेकिन हम उन्हें बाहर लेके गए हैं, जो चीज़ उनके पास नहीं है हमने वो लेनी है, अपने से उन्हें प्रायोरिटी देनी है। तो पता नहीं उन माँ बाप को अपना वो बेटा कितना प्यारा होगा, वो इतना क्यूट सा बच्चा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में जगह दे, वो फरिश्ता उसने वो जन्नती ही है। बहरहाल जी अल्लाह ताला सबके हाल पे रहम करें। ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे मिलेंगे कल इंशाल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।